पूड़ी पराठा हो या फिर दाल चावल, खाने में जान डाल देगा टमाटर की ये दो नई रेसिपी। स्वागत है आपका इंडियन फूड सुतोसा में। तो देर किस बात की, चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ हमने चार लाल पके हुए टमाटर लिया हुआ है, वजन में 250 ग्राम। टमाटर को हमने पहले साफ पानी से धुल लिया था, अभी से हम दो टुकड़ों में काटेंगे। और काटने के बाद टमाटर के पीछे से जो मोटा वाला भाग होता है, कड़क वाला भाग, जिसे टमाटर का आँख कहा जाता है, उसे पूरी तरह से काट करके हटा देंगे, क्योंकि ये वाला भाग जो है चटनी में नहीं पक पाता है। तो सारे टमाटर को हमें मोटे मोटे टुकड़ों में इस तरीके से काट लेना है। अगर आपके पास लाल टमाटर नहीं है तो आप थोड़ा सा अधपके टमाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सारे टमाटर को काट लिया, मिक्सी जार में इस तरीके से रख लेंगे। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हमने गैस का स्टैंड हटा दिया और इसके ऊपर हम ये एल्युमिनियम फॉयल लगा देंगे। तो एल्युमिनियम फॉयल के बीच में हमने गोलाकार भाग में काट लिया है इस तरीके से। बर्नर के किनारे इस तरीके से हम सेट कर देंगे, क्योंकि हमें टमाटर को भूनना है। तो जब हम टमाटर को भूनते हैं ना, तो क्या होता है कि टमाटर का ढेर सारा रस जो है गैस पर गिर जाता है और गैस हमारा पूरी तरह से गंदा हो जाता है, जिसे साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो इस तरीके से एल्युमिनियम फॉयल को काट करके आप लगा दीजिएगा। उसके बाद स्टैंड को इस तरीके से रख देना है। हम गैस को जला लेंगे और यहाँ हमने लकड़ी का ये कटा चम्मच लिया है, इसे हम छोटे छोटे यानी कि 4-5 टुकड़ों में तोड़ लेंगे। तो इस तरीके का अगर आपके पास कांटा चम्मच नहीं होगा तो आप सामान्य लकड़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो लकड़ियाँ आती हैं ना, जैसे कि अमरूद की पेड़ की लकड़ियाँ या फिर कुछ इस तरह की लकड़ियाँ जो लंबी लंबी होती हैं, तो इस तरीके से आप इस तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिएगा। तो यहाँ हमने 5 से 6 टुकड़ों में इन लकड़ियों को तोड़ करके कर लिया। अब हम अधपका टमाटर लेंगे और टमाटर के पीछे से इन लकड़ियों को इस तरीके से लगा देंगे। बस पीछे से इन लकड़ियों को इस तरीके से हमें डाल देना है और डालकर गैस पर हम रखते जाएंगे। तो 4-5 टमाटर का हमने प्रयोग किया है, एकदम नई और शानदार सी रेसिपी तैयार होगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और टमाटर को भूनने के लिए हम छोड़ देंगे, बीच बीच में इसे हम इस तरीके से उलाटते पलाटते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। और जब जब ये लकड़ियाँ जलेंगी ना और इसमें से जो धुआं निकलेगा, तो आपको लगेगा कि ये रेसिपी हमने लकड़ी पर बनाई हुई है, यानी कि कोयले पर बनाया गया है। चारों तरफ से हमें टमाटर को भून लेना है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं जो जल रही हैं। अब हम 2 लाल सूखी मिर्च को इस तरीके से भून लेंगे। इसका फ्लेवर इन टमाटर की चटनी में काफ़ी अच्छा आता है। टमाटर को हमने भून लिया और ये पूरी तरह से पक गया है, गैस बंद कर देंगे और इसे एक बोल में इस तरीके से उठा लेंगे। उठाने के बाद इसे हम पूरी तरह से ठंडा हो जाने देंगे, तब इसका छिलका हटाएंगे। और यहाँ हमने थोड़ा सा लहसुन और 2 हरी मिर्च को भी साथ में किनारे भून लिया था, इसे भी हम उठा लेते हैं इस तरीके से। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो लहसुन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। अब हम मिक्सी जार पर ढक्कन लगा देंगे और इन टमाटर को दरदरा सा पीस लेंगे। इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है और टमाटर को हमें बिल्कुल दरदरा सा पीसना है इस तरीके से। तो जब आप इसे हाथ से छुएंगे ना, तो आप देखेंगे कि टमाटर के कुछ मोटे मोटे टुकड़े इसमें रह गए हैं। तो इसी तरीके से हमें टमाटर को पीसना है, यानी कि हमें इसका बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसे हमें दरदरा ही पीसना है। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो गैस चला लेंगे और 2 लाल मिर्च को साथ में भून लेते हैं। तीन रेसिपी में हम सूखी लाल मिर्च का ही प्रयोग करेंगे। अब हम मिर्च को तोड़ लेते हैं और इसमें से बीज को निकाल देंगे, क्योंकि बीज काफ़ी तीखे होते हैं, बच्चे जो हैं चटनी नहीं खा पाते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। तो सारे बीज को हमें निकाल देना है। अब इसमें हम डाल देंगे 7 से 8 कली लहसुन। तो अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो इसे ना डालिएगा, बिना लहसुन प्याज का भी इसे आप बना सकते हैं। स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक डाल देंगे और इसे हम कूट करके हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे इस तरीके से, यानी कि इसकी चटनी बना करके तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं इसको हमने बिल्कुल दरदरा सा कूट लिया है। अब हम गैस चलाकर कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें ये पीसा हुआ टमाटर डाल देंगे। ढक्कन पर भी टमाटर लगाए थे, इसे भी अंदर डाल देते हैं और इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच सरसों तेल, अच्छी तरह से मिला देंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे पकाना, इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच चीनी, टमाटर में थोड़ा सा मिठास लाने के लिए और इसका कलर अच्छा बना रहे यानी कि लाल बना रहे, इसलिए 1 चुटकी हल्दी पाउडर डालेंगे और सबको अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे।
आधे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं लाल करने के लिए। अच्छी तरह से मिला दिया। अब इसे हम धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक प्लेट में लहसुन हरी मिर्च को रख लेते हैं और साथ में लाल मिर्च को भी तोड़ लेंगे इस तरीके से, और स्वाद के अनुसार सफ़ेद नमक लेंगे और सबको अच्छी तरह से हाथ से क्रश करेंगे इस तरीके से। तो अगर आपके हाथ में ये लाल मिर्च और हरी मिर्च का तीखापन लग सकता है तो आप इसे खलबट्टे में भी दरदरा सा कूट सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही इसे अच्छी तरह से मैश कर दे रही हूँ क्योंकि हमें इसे बारीक नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे एक चम्मच ये आम के अचार का मसाला। मसाला डालकर भी सबको अच्छी तरह से मिला देंगे, बिल्कुल चटनी की तरह इसे हमें बनाना है। एक प्याज को बारीक काट करके डालेंगे इस तरीके से। तो जैसा हमने बोला कि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो बिना प्याज लहसुन का भी इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। साथ में एक भरी हुई लाल मिर्च हमने लिया है, लाल मिर्च का अचार थोड़ा सा यानी कि आधा टुकड़ा इसमें लाल मिर्च का अचार डाल देंगे। तो अगर आपके पास ये लाल मिर्च का अचार नहीं है, आम का अचार नहीं है, तो आप इसमें चाट मसाला पाउडर या फिर आमचूर पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर का। अब हम टमाटर के छिलकों को हटा देंगे पूरी तरह से। इसे पानी से नहीं धुलना, इस बात का ध्यान रखना है कि टमाटर को आपको पानी से नहीं धुलना है भूनने के बाद। सारे टमाटर का छिलका हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसे हाथ से ही मसल लेंगे। आप चाहे तो मैसर का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ से मोटा मोटा ही मसल करके उसके बाद चिकना कर लूँगी इस तरीके से। इतनी शानदार और टेस्टी चटनी तैयार होता है ना, यकीन मानिए एक बार आप इसे बनाएंगे ना तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे, खास तौर पर सर्दियों के दिन में। बारीक कटा हुआ हरा धनिया की पत्ती और एक हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे साथ में। तीखापन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब एक चम्मच ऊपर से हम वहीं आम के अचार का मसाला डाल देंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे और ये हमारी चटपटी सी चटनी बनकर के तैयार हो गई है। इस चटनी को आप चावल दाल के साथ खा सकते हैं या फिर चावल के साथ खा सकते हैं या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। यकीन मानिए एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हमने कढ़ाई में टमाटर रख दिया था पकने के लिए। अब इसमें हम आधा इंच अदरक के टुकड़ों को इस तरीके से कद्दूकस करके डालेंगे यानी कि क्रश करके डालेंगे, अच्छी तरह से मिला देंगे। और ये हमने जो क्रश किया हुआ लहसुन और मिर्च का चटनी रखा हुआ था इसे डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इसमें आपको हरी मिर्च का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है। अब इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा काला नमक। नमक का प्रयोग हमने दो बार किया था, तो आप ध्यान रखिएगा कि अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रखना है। और बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती डाल देंगे। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरीके से, और आधा टुकड़ा नींबू का रस निचोड़ देंगे इसे चटपटा बनाने के लिए। इसे चटनी काफ़ी चटपटी सी बनती है और इस चटनी को बनाने के बाद ना आप हफ्तों फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है। आप इसे पराठे के साथ खाइएगा, पूड़ी के साथ खाइएगा। और आप देख सकते हैं अभी ये गाढ़ा लग रहा है, लेकिन इस तरीके से जब आप मैश कर देंगे यानी कि मोटे मोटे टुकड़े जो हैं उसको अच्छी तरह से घोट लीजिएगा, नरम हो गया टमाटर, तो इस तरीके से जब आप मैश करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको पतला हो जाएगा, यानी कि जो मोटे मोटे टुकड़े हैं जब नरम हो जाएंगे और आप इस तरीके से मैश करेंगे तो बिल्कुल बारीक से हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारी चटनी भी बनकर के तैयार हो गई है। इसका पूरा पानी जो है सूख गया है और इस चटनी को आप बनाने के बाद जैसा हमने बोला कि महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता है। बस थोड़ा सा आप इसमें विनेगर डाल दीजिएगा, गैस बंद कर देंगे। और ये देखिए ये मैं प्याज वाली चटनी आपको दिखा देती हूँ कि चावल के साथ खाने पर आपको कैसा दिखेगा। कम समय में काफ़ी आसान तरीके से आप ये दो चटनी को ज़रूर बना करके देखिएगा। एक बार बनाएंगे तो इसे आप बार बार बनाना चाहेंगे, यकीन मानिए। और ये दूसरी चटनी को हम बोल में निकाल ले रहे हैं। तो जैसा हमने बोला कि मिर्च मसाला की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, और इसे थोड़ा सा मीठा बनाना चाहते हैं तो एक से दो चम्मच इसमें टोमेटो सॉस या केचप भी डाल सकते हैं। और ये चटनी हमारी बन करके तैयार हो गई है। आप इसे आलू पराठा के साथ खाइए, फिर मूली के पराठे के साथ खाइए, कम समय में काफ़ी आसान तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती हो ना तो प्लीज़ लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और इसी तरीके से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।